डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, रोल ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन द फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की भूमिका निभाने वाले उन लोगों के बारे में जो देश के लिए शहीद हो गए। हमने चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के नाम सुने हैं। वे महान क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे। देश को आज़ाद कराने के लिए वे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने के पक्षपाती थे। ऐसे ही हजारों क्रांतिकारी युवकों युवतियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किए थे। उनमें से अनेकों बलिदान हो गए। क्रांतिकारी प्रयत्नों के आरंभ वसुदेव बलवंत फड़के से हुआ। इनकी कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं। वसुदेव बलवंत फड़के के कामों ने युवकों को देश की स्वतंत्रता के लिए काम करने की प्रेरणा दी। अंग्रेजी सरकार के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, उससे युवकों में रोष बढ़ता गया। युवक इन अत्याचारों का बदला लेने का विचार करने लगे। कुछ अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारी निम्नवत हैं। कौन कौन से? पहला है चापेकर बंधु। सन 1896-97 में पुणे महाराष्ट्र प्रांत में प्लेग की बीमारी फैली। ये रोग बहुत तेज़ी से फैलता है और लोग मरने लगते हैं। चिकित्सा के साथ साथ घर बाहर की सफाई आदि के काम बहुत जल्दी करने ज़रूरी होते हैं। सरकार ने पुणे में फैले इस प्लेग की बीमारी की रोकथाम के लिए एक अंग्रेज़ अधिकारी वाल्टर चार्ल्स रेंड की नियुक्ति की। वे प्लेग कमिश्नर बनाए गए। उन्होंने पुलिस की सहायता से घरों की सफाई, रोगियों का पता लगाने तथा उनको उपचार की व्यवस्था का करने के नाम पर घरों में घुसकर सामान लूटने, महिलाओं वृद्धों का अपमान करने तथा युवकों की पिटाई करने का काम करना शुरू कर दिए। ये देखकर दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर नाम के दो भाइयों ने रैंड के अत्याचारों से जनता को मुक्त कराने के लिए उसको समाप्त करने का निर्णय लिया। उसके विषय में पूरी जानकारी एकत्र की। एक दिन दोनों भाइयों ने क्लब से बाहर आते वक्त रैंड को गोली मार दी। दोनों पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए। इनके तीसरे भाई वसुदेव चापेकर और उनके साथी महादेव रानाडे ने कोर्ट में ही सरकारी गवाह को गोली मार दी। इनको भी पकड़ लिया गया। तीनों चापेकर बंधुओं और रानाडे को फांसी दे दी गई। चापेकर बंधुओं के वीरतापूर्ण बलिदान के ने युवकों को देश के लिए प्राण निछावर कर देने की प्रेरणा दी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी। कितने ही युवकों ने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन की चिंता ना करते हुए अनेक कष्ट सहे, जेल की यातनाएं सही, गीता हाथ में लेकर फांसी के फंदे पर चढ़े। चापेकर बंधुओं के बलिदान के थोड़े समय बाद ही अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने नासिक जिले में कलेक्टर मिस्टर जैक्सन को गोली मार दी, क्योंकि जैक्सन ने एक युवक को देशभक्तिपूर्ण गीत लिखने के कारण अजरम कारावास की सज़ा दी थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी ने कोलकाता से मुजफ्फरपुर आकर जिले जज मिस्टर किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंक कर उनको समाप्त करने की कोशिश की। वो तो बच गया, लेकिन एक अन्य अंग्रेज़ अधिकारी मिस्टर कैनेडी और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। खुदीराम बोस को पकड़कर फांसी दी गई। प्रफुल्ल चंद चाकी ने पुलिस से मुठभेड़ की और खुद को गोली मार ली, जिससे पुलिस पकड़ ना सके। इस प्रकार देश में क्रांतिकारी गतिविधियाँ तेज़ी से चलती रहीं। लोकमान्य तिलक का इनको समर्थन प्राप्त था। क्रांतिकारियों को प्रेरणा देने का कार्य विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। अब विनायक दामोदर सावरकर महाराष्ट्र के निवासी थे। वे विद्यार्थी जीवन से ही देश की स्वतंत्रता के लिए काम करने लगे थे। उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। वे बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड की राजधानी लंदन चले गए। लंदन में वे इंडिया हाउस में रहते थे। इंडिया हाउस की स्थापना प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। सावरकर ने वहाँ रहकर बहुत से काम किए। सन 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम नामक सुप्रसिद्ध पुस्तक उन्होंने वहीं लिखी। अनेक भारतीय युवकों को क्रांतिकारी से बचाया, क्रांतिकारी बनाया। जहाज़ों में भरकर, पुस्तकों में रखकर शस्त्र भारत भेजे। उनकी गतिविधियों पर ब्रिटिश खुफिया पुलिस की निगाह रहती थी। उनकी गतिविधियों के कारण सरकार ने सन 1910 में उनको गिरफ्तार कर लिया और समुद्री जहाज से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में भारत की ओर भेज दिया। उनका कोई साथी साथ न था। हाँ, वे तो बहुत साहसी तो थे ही। वे जहाज़ के शौचालय से समुंदर में कूद गए और तैर कर समुंदर के किनारे फ्रांस देश की धरती पर पहुँच गए, लेकिन अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें फिर पकड़ लिया। भारत में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उनको 2 जन्म के कारावास की सज़ा देकर अंडमान जेल में भेज दिया गया। जेल में उनको बहुत यातनाएं दी गईं। दिन भर रस्सी की बटना, कोलू पेरना जैसे काम उनको कराए जाते थे, लेकिन वे हिम्मत न हारे। बाद में अनेक नेताओं की कोशिश से सन 1937 में उनको जेल से मुक्त किया गया। अब मदनलाल धींगरा।
लंदन में भारतीय विद्यार्थियों की देखरेख के लिए एक अंग्रेज उच्च अधिकारी सर कर्जन वायली था। वे भारतीयों को बहुत अपमानित करता था। ये बात इंडिया हाउस में रहने वाले युवक मदन लाल धींगरा को बहुत बुरी लगी। धींगरा ने उसका बदला लेने का निश्चय किया। सावरकर जी ने उनके साहस का की कठोर परीक्षा ली। धींगरा उसमें सफल हुए। मदन लाल धींगरा ने एक दिन सर कर्जन वायली को एक सभा में गोली मार दी और देश के अपमान का बदला लिया। संसार भर में एक खबर फैल गई। मदन लाल धींगरा की निंदा करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक सभा का आयोजन किया, परंतु सावरकर के विरोध के कारण निंदा प्रस्ताव ना हो सका। मदन लाल धींगरा को 17 अगस्त 1909 को फांसी दे दी गई। अरविंद घोष बंगाल क्रांतिकारियों का केंद्र बन चुका था। इनके प्रमुख थे अरविंद घोष। इनके घर के बगीचे में बम बनाने का कारखाना था। वहीं अन्य शस्त्र भी इकट्ठे किए जाते थे और देश भर में पहुंचाए जाते थे। सरकार को इसका पता चल गया। अरविंद बाबू के साथ अनेक क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। उन पर मुकदमा चला। नरेंद्र गोस्वामी नाम के एक युवक ने धोखा दिया। वो सरकारी गवाह बन गया। उसको इस देशद्रोह की सज़ा देने का निश्चय किया गया। नरेंद्र गोस्वामी को जेल में कड़े पहरे में रखा गया था। कन्हाई लाल दत्त नाम का क्रांतिकारी भी जेल में था। उसको ये काम सौंपा गया। वे बहुत कम आयु का था। उसने तरकीब से नरेंद्र से मिलने का रास्ता निकाल लिया। नरेंद्र जेल के अस्पताल में थे। कन्हाई लाल दत्त को भी बहुत तेज़ बुखार था। अस्पताल में नरेंद्र से मिलते ही कन्हाई लाल दत्त ने उसको सीने में गोली मार दी। जेल अधिकारी दंग रह गए कि जेल में पिस्तौल कहाँ से आई। क्रांतिकारी युवक साहसी और निर्भीक थे। इस प्रकार देशद्रोही को सज़ा मिल गई और अरविंद घोष तथा अन्य क्रांतिकारी फांसी की सज़ा से बच गए। सारे देश में क्रांतिकारी आंदोलन फैल चुका था। युवक युवतियां दोनों ही इसमें सम्मिलित थे। क्रांतिकारियों के नियम कड़े थे। वे देश के काम के लिए ही दिन रात प्रयास करते थे। अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी कोलकाता में बनाई थी। क्रांतिकारियों के डर से उसे बदल कर दिल्ली कर दिया गया। कुछ समय बाद ही ब्रिटिश सरकार के नए वायसराय हॉर्डिंग की सवारी दिल्ली में से निकाली गई। क्रांतिकारियों ने उसकी सवारी पर बम फेंका। लॉर्ड हॉर्डिंग तो बच गए, लेकिन उनका एक साथ ही मारा गया। सरकार बौखला गई। सैकड़ों क्रांतिकारी पकड़े गए, उनको यातनाएं दी गईं, लेकिन क्रांतिकारियों का काम रुका नहीं। क्रांतिकारियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट के नाम से एक नया कानून बनाने का निर्णय अंग्रेज़ों ने किया। इसका विरोध करने के लिए देश भर में सभाएं हुई, प्रदर्शन हुए। क्रांतिकारियों के उत्साह में कमी नहीं आई। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह क्रांतिकारियों के नेता थे। चंद्रशेखर को 16 वर्ष की आयु में वंदे मातरम कहने पर कोड़े मारे गए थे। वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। प्रसिद्ध काकोरी कांड में ही वो ही प्रमुख योजनाकार थे। क्रांतिकारियों के अच्छे चरित्र पर वे सदैव जोर देते थे। चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस जीवित नहीं पकड़ सकी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुठभेड़ में वे मारे गए। उनका नाम आज़ाद पार्क रख दिया गया। सरदार भगत सिंह। भगत सिंह पंजाब के क्रांतिकारियों के नेता थे। लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने पर सैंडहर्स्ट को सज़ा देने का काम इन्होंने ही किया था। उस समय लाहौर से बाहर आना अत्यंत दुर्गम काम था, लेकिन क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की सासी पत्नी दुर्गा देवी, जो दुर्गा भाभी के नाम से प्रसिद्ध हुई, के सहयोग से वे वेश बदलकर लाहौर से बाहर आ गए। कुछ समय बाद सरकार के कानों में अपनी बात पहुंचाने के लिए 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंककर इन्होंने अंग्रेज़ी सरकार को थर्रा दिया था। बम फेंकते उन्होंने वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद का घोष किया। उनको पकड़ लिया गया। सुखदेव और राजगुरु के साथ इनको 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त, अशफाक उल्ला, रामप्रसाद बिस्मिल आदि प्रसिद्ध क्रांतिकारी इनके साथी थे। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब इनके प्रमुख केंद्र थे। युवतियां भी इनके पीछे नहीं रहीं। दुर्गा भाभी, सुनीति, प्रतीलता, कल्पना दत्त आदि कितने ही नाम लिए जा सकते हैं, जिन्होंने क्रांतिकारी कामों में भाग लेकर तथा बलिदान देकर देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान किया। इन क्रांतिकारी वीरों ने अपने जीवन की चिंता ना करते हुए अनेक कष्ट सहकर संघर्ष किया। अंग्रेजी दमन के सामने इन वीरों ने हार नहीं मानी। जेल की यातनाएं भी उन्हें डरा नहीं सकी। इन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देश का कोना कोना इनके बलिदानों से पवित्र हो गया। इनके कामों और बलिदानों से युवकों में देशभक्ति, उत्साह और साहस उत्पन्न हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान भुलाया नहीं जा सकेगा। धन्यवाद। थैंक यू।